So hello everyone, we are finally all set and all ready. This is 38th December और हमने प्लान बनाया है कि हम जाने वाले हैं गोवा, और गोवा के लिए जो भी प्रिपरेशन चाहिए वो सब प्रिपरेशन जो है वो हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अच्छी तरीके से पूरा जो बैग है वो सेटअप किया हुआ है, कि यहाँ पे सब जो सेटअप है वो सब रेडी है। यहाँ पे ट्राइपॉड रेडी है, यहाँ पे बैटरी जो है वो चार्ज हो रही है। सो आप देख सकते हो अच्छी तरीके से कि सब कुछ मोस्ट ऑफ जो है वो रेडी हो चुका है। सो वी ऑल आर सेट एंड वी आर रेडी टू जंप इन। बेलगांव सिटी के अंदर, अच्छा, सुनसान रास्तों में, अच्छा। और ये पाजी जो है वो टाइम पास कर रहे हैं एकदम बकवास वाला। A few moments later. So, time हुआ है 5:19 in the morning और हम आ गए हैं खानापुर से थोड़ा आगे, मतलब कि हमारे जो साउथ गोवा का जो डेस्टिनेशन है पालोलेम, उससे अराउंड 135 किलोमीटर्स पहले हम यहाँ पे रुके हुए हैं। अभी भी अंधेरा ही है, अभी हम यहाँ पे, ये जंगल एरिया है तो 6 बजे के बाद शुरू होगा, नहीं तो हमें जाना पड़ेगा चोरला घाट वाला जो रूट है वहाँ से, तो उसको स्किप करके हम यहाँ पे से जाएंगे। लेकिन अभी आई थिंक और 45 मिनट्स जितना वेट करना पड़ेगा, तो लेट्स सी क्या मिलता है अपने को। ए फ्यू मोमेंट्स लेट, तो अभी यहाँ पे आप देख रहे होंगे बहुत सारा ट्रैफिक है, सुबह के बजे है 6 और आप देख सकते हो पूरा ट्रैफिक। पाजी ड्राइविंग कर रहे एकदम आराम वाला ड्राइविंग कर रहे, और ये जो चांद जो है वो बहुत प्यारा लग रहा है। आज पूनम है तो उसकी वजह से बहुत प्यारा लग रहा है। अराउंड 25 किलोमीटर का जो जर्नी है वो बाकी है, और 3 किलोमीटर के बाद आएगा कोची पनवेल हाईवे। अभी बस हम थोड़ी देर में, आधे घंटे में रिसोर्ट पहुँच ही जाएंगे। तो टाइम हुआ है 9:12, हमने जर्नी शुरू की थी 11 बजे और अभी 9:12 हुई है और हम पहुंच गए हमारे डेस्टिनेशन पे। ये है जो पेंटागन रिसोर्ट है, वो रिसोर्ट आपको हम अच्छी तरीके से बताएंगे, लेकिन अभी जल्दी से चेकिंग करते हैं, थोड़ा फ्रेश होते हैं और जल्दी से जल्दी मेरे को बीच के लिए जाना है, तो सबसे पहले जाते हैं और जाके फ्रेश होते हैं और फिर हम आपको पूरा रूम का टूर देते हैं। आप देख रहे हो पूरा रिसोर्ट है और रिसोर्ट के अंदर हम अभी हम एंटर कर रहे हैं, एंटर के बाद हम पूरा रिसोर्ट पूरा देख सकते हैं। अभी ये रूम रहेगा हमारा, सो ये है पूरा, आप रूम देख सकते हो। तो ये पूरा जो है वो बेड रहेगा,
जैसे रूम के बाहर है बालकनी, और बालकनी से जो नज़ारा है वो पूरा दिखेगा, आप बहुत ही अच्छी तरीके से उसको देख सकते हो। पूरा जो नज़ारा है वो अच्छे से दिख रहा है। 6.5 hours later. For the another travel and another travel to the Palolem beach. Palolem beach का जो नज़ारा है वो हम देखने वाले हैं। So me and Namu all are set. We are set and we are ready to go. ये पूरा आप पूरा पार्किंग देख सकते हो, बहुत ही फुल है। अभी अभी हम निकलने वाले हैं, आप पूरा पार्किंग देख सकते हो। अभी अभी हम जाने वाले उस साइड जो है पालोलेम बीच का रास्ता। सो लेट्स जस्ट गो एंड सी के वो पूरा रास्ता जो है वो कैसा रहता है। वहाँ से दिख रहा होगा बहुत ही प्यारा सनसेट हुआ है। अब एक्चुअली में हमें वहाँ पे जाना था लेकिन वो पूरा जो कैफे वो क्लोज है, कोई नहीं हम फिर कभी जाएंगे। लेकिन ये पूरा जो आप देख रहे हो बीच का जो नज़ारा वो बहुत ही प्यारा दिख रहा है।